मोदी सरकार की हठधर्मी से, बैंकों की गुंडई से गुलाम जनता में हाहाकार मची हुई है। मोदी सरकार ने 500 व 1000 रुपए के नोट का चलन अचानक बंद करके देश की गरीब जनता को उसके गुलाम होने का एहसास कराया ही, साथ ही बैंकों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की पूरी छूट भी दे दी है। जहां बरेली में बैंक की करतूत ने एक गरीब को मौत के मुंह में ढकेल दिया, वहीं जौनपुर के बहरीपुर में परेशान गुलाम जनों ने बैंक के बाहर ताला ठोक दिया। उधर शामली में भी बैंक वालों की हरकतों से परेशान गुलाम उपभोक्ताओं ने खासा हंगामा किया। बरेली में आज जहां एक तरफ नोट बदलने के लिए लाइन में लगे एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ किले की बागरगंज बीओबी शाखा में दादागिरी और मनमानी का खुला खेल चल रहा है। बरेली में आज नोट बदलने के लिए लाइन में लगे एक अधेड़ की मौत हो गई और मौत पर आक्रोशित लोगों ने शव चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। मामला बारादरी थाना इलाके के ईट पर चौराहे का है। बताया जा रहा है कि स्थानीय 45 वर्षीय निवासी खलीक अहमद आज स्टेट बैंक की शामदगंज शाखा में नोट बदलने के लिए सुबह से ही भूखा प्यासा लाइन में लगा था। खड़े खड़े बेहाल होकर वो गिर पड़ा और मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने आक्रोश पनप गया और लोगों ने शव ईंट पर चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया। गुलाम जनों की आवाज़ को कुचलने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। मोदी राज की तानाशाही से गुलाम जनता के सब्र का प्याला भर चुका है। मृतक के घर वालों ने बताया कि खलीक 3 दिन से रोजाना सुबह से ही लाइन में लगते थे और शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण पैसे बदलने गए थे। वहां पर से अब पता नहीं ये वापस चले थे या नहीं चले थे, एकदम इनकी खबर मिली कि इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा किला लीची बाग पर मौजूद बड़ौदा बैंक की शाखा में सुबह से ही सैकड़ों गुलामों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है और बैंक के बाहर अपने नन्हे बच्चों को गोद में लिए सैकड़ों महिलाएं लाइन में खड़ी थीं कि दोपहर के समय बैंक मैनेजर पुलिस वालों को बुला बुला कर उनकी मोटी मोटी रकमें बदल कर दे रहा था। इस पर एक पत्रकार ने इतराज़ किया तो मैनेजर दादागिरी करने लगा और पत्रकार को बैंक के बाहर ढकेल दिया। मैंने मैनेजर साहब से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बैंक का नाम? बैंक ऑफ बड़ौदा बागरंग की किला शाखा है। मैं यहाँ आया, काकी वालों को पैसा दिया जा रहा है। मैनेजर ने खुद बुला के 4 पुलिस वालों को पैसा दिया। मैंने अपना रिफ्रेंस दिया कि मैं मीडिया से हूँ, हाँ तो मुझसे बोला पुलिस वालों के अलावा कोई स्टाफ नहीं होता है और मीडिया का कोई स्टाफ नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि मैं भी मीडिया से हूँ, बोले कोई मीडिया का कोई स्टाफ नहीं होता है, स्टाफ पुलिस वालों का होता है, सरकारी है वो। और मुझे उन्होंने कहा कि लाइन में जाके खड़े हो और मुझे जो है बाहर कर दिया बैंक से। क्या नाम है आपका? नन्हेलाल। क्या करते हैं? सर मजदूरी करता हूँ पेट्रोल पंप पे। अच्छा, अब बताइए क्या समस्या है? सर मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं ये। कौन नहीं दे रहा पैसे? ये अंदर बैंक मैनेजर। कौन सी बैंक है? ये बड़ौदा बागरगंज। बागरगंज की बड़ौदा बैंक जी। ठीक, बताएं क्या हुआ? सर अंदर मैं गया, लाइन में लगा हुआ 2 घंटे से परेशान हूँ और मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। अंदर गया तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 4000 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप विड्रॉल से ले रहे हैं चेक से ले रहे हैं? चेक से ले रहा हूँ भाई। अपने खाते के? जी अपने खाते। कितने पैसे निकालने को दिया? 24000। नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं देंगे जी। कह रहे 4000 से ज़्यादा नहीं देंगे जी। उधर जौनपुर के बिहारी बहरीपुर में बैंकों की हिलावाली के चलते पैसा न मिलने से गुस्साए गुलाम उपभोक्ता ने बैंक में ताला लगा दिया। इलाके की काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक बहरीपुर शाखा पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सुबह से ही पैसा निकालने के लिए लाइन लगाए उपभोक्ताओं को कैशियर द्वारा कैश न आ पाने के कारण पैसा देने से इनकार कर दिया। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने बैंक कर्मियों को अंदर कर बाहर से ताला लगा कर हंगामा शुरू कर दिया। क्या नाम है? एक उपाय करब तब तो बैंक नहीं दे रही है, क्या करेंगे? कुछ सामान लेना है, कहाँ से लाएंगे? सवाल है, क्या करेंगे? शादी भी है, कितना मिलेगा? यही हाल उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला का भी है। यहाँ भी बैंक वाले मनमानी से पीछे नहीं रहे। कस्बे में पिछले एक हफ्ते से 1000 व 500 रुपए की पुरानी करेंसी को जमा करने के लिए प्रतिदिन हजारों लोगों की भीड़ बैंक शाखाओं के बाहर जमा रहती है, जिसमें गुलाम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बुधवार का दिन आमजन के लिए और दिनों से भी तकलीफ दे रहा। सुबह से ही गुलाम जनता के लोग पैसा जमा करने व करेंसी चेंज करने के लिए लाइन में लग गए थे।
कड़ी भूख प्यास के बीच लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बैंक शाखाओं पर करेंसी खत्म होने का जब पता चला तो गुलाम उपभोक्ताओं का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया, जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बैंक वालों ने अपने करतूत पर भड़के गुलामों की आवाज़ को कुचलने के लिए पुलिस को सूचना दी, तो गुलामों की कर्राहट को कुचलने के लिए थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।